हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मंथर 21 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस फायरमैन व जेल वार्डन 2021 के चरित्र सत्यापन हेतु क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको और कब से इसके चरित्र सत्यापन शुरू हो रहे हैं, जेल वार्डन का नोटिस आकर क्यों नहीं आया, इस सब के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपको पूरे डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताने वाले हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं इस बार जेल वार्डन और फायरमैन दोनों के लिए, और जो माउंटेन पुलिस फोर्स है उसके लिए भी क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। चाहे आप लड़की हो या कोई लड़का हो, सभी के लिए सेम ही डॉक्यूमेंट बनाने हैं और सभी की जो लिस्ट है डॉक्यूमेंट की वो सबकी सेम ही आएगी। तो दोस्तों, सभी के लिए वीडियो है, कोई डाउट ना रखेगा कि लड़कियों को कुछ अलग से तो नहीं लगवाना है या लड़कों को कुछ अलग से तो नहीं लगाना है कोई डॉक्यूमेंट, सभी के लगभग सेम डॉक्यूमेंट है और कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है। और इस वीडियो में जो भी आपको दिखाने वाला हूँ, यही सब डॉक्यूमेंट आपको तैयार कर लेना है समय रहते हुए, क्योंकि जैसे आपको पता है फायरमैन का तो नोटिस आ चुका है फायर ऑफिस से, और जो जेल वार्डन वाला है उसका भी काम स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा वक्त लगेगा पर ये भी 1 महीने के अंदर पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, और डिसलाइक करना अगर आपको गुस्सा आ रहा है कि आपका जेल वार्डन का क्यों नहीं आया अभी तक और आप परेशान हैं इस चीज़ को लेकर, तो अगर आपको डिसलाइक भी करना है तो कर सकते हो, वैसे इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। केवल मेरी वीडियो पर डिसलाइक करने से क्या फ़ायदा होगा आपको, अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो आपके भले के लिए दे रहा हूँ। दोस्तों, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट है चरित्र प्रमाण पत्र। देखिए, इसमें कई तीन तरीके के चरित्र प्रमाण पत्र आपको चाहिए चाहिए। देखिए, ये जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये चरित्र प्रमाण पत्र आप किसी से भी बनवा सकते हैं, जो आपका मतलब ये पहला वाला वो था प्रारूप चरित्र प्रमाण पत्र का, जो आप एक स्कूल से ले सकते हैं, अपने विद्यालय से। वो पहली बात तो ये होता है कि सभी विद्यालयों में अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, जो करेक्टर सर्टिफिकेट हम जैसे 12th पास किए हैं या जिसने ग्रेजुएशन कर ली है वहाँ से आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र मिलता है, उनका फॉर्मेट अपना अलग होता है, ये फॉर्मेट थोड़ा अलग है। बस इसमें यही दिखाया गया है कि इस तरीके का कुछ आपका होना चाहिए। आप दूसरा देख लीजिए, ये वाला चरित्र प्रमाण पत्र इस तरीके का आपको विश्वविद्यालय से मिलता है आपके, या फिर जो आप गजेटेड ऑफिसर से प्राप्त करते हो वो इस तरीके का आपका चरित्र प्रमाण पत्र होता है। नेक्स्ट, 10 रुपये का स्टाम्प पेपर। दोस्तों, ये जो सबसे ज़्यादा अभी पूछा जा रहा था कि 10 रुपये वाला चरित्र, वो जो 10 रुपये वाला जो स्टाम्प पेपर है नोटरी से जो बनवाना है वो किस तरीके का होगा, देख लीजिए दोस्तों, ये उसका प्रारूप है और यहाँ पे एक स्टूडेंट की साइड डिटेल थी जिसको मैंने हाइड कर दिया है, और आप इसमें देख सकते हैं सारे पॉइंट इसमें दिए गए हैं बकायदा। इसमें पहले उसमें आपका नाम, पिता का नाम, आपका पता, और फिर आपका जो फायरमैन में है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फायरमैन के लिए नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, फायरमैन के लिए फायरमैन अलग से दिया हुआ है, और आप जेल वार्डन के हैं तो जेल वार्डन आप इसमें लिखवा सकते हैं। ये यहाँ से जो जिला है इनका शामली है, और इनका अनुक्रमांक आगे आ जाएगा, उसके बाद आप इसके पीछे देख सकते हैं कि उसमें 14 पॉइंट दिए गए हैं दोस्तों, और आपको 14 पॉइंट ही निकलवाने हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप 10 पॉइंट निकलवाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 14 पॉइंट निकलवाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 14 पॉइंट वाला ही निकलवा लीजिए। और इस पर पीछे आपके स्टैंप वगैरह, एक जगह आपके साइन भी होने हैं, इस पर 2-3 जगह साइन होने, एक जगह आपका अंगूठा लगना है। और ये जो है चरित्र प्रमाण पत्र, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये बनेगा आपका संभ्रांत व्यक्ति वाला आपका क्षेत्र प्रमाण पत्र ये वाला होगा। इसमें क्या होगा, आपके दो पड़ोसी, जैसे कोई भी आपके आसी पड़ोसी जो आपके रिश्तेदार ना हो, उनसे आप सिग्नेचर करवा सकते हैं, उनको बता के। ज़रूरी नहीं है कि आप उनको बताएं कि भाई मेरा पुलिस वेरिफिकेशन होगा, यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो रहा है, क्या पता वो क्लस के ना करें या फिर बोल दे कि नहीं हम नहीं करने वाले हैं, तो इसलिए आप ज़रूरी नहीं है आप उनको बताएं, आप इसको बोल सकते हैं कि मुझे अपने कॉलेज में चाहिए या अपने स्कूल में लगाना है। तो इस पे क्योंकि कहीं भी ऐसा प्रमाणित नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो दोस्तों, और इस तरीके का एक जो मैंने आपको पहले दिखाया था, ये चरित्र प्रमाण पत्र तो जो है वो इसी तरीके का आपका ग्राम प्रधान वाला बन जाएगा, उसको मैं फॉर्मेट को ऐड नहीं कर पाया इसके अंदर, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा चरित्र प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान से। अगर आप ग्राम प्रधान में मतलब आपका जो घर है वो गाँव में नहीं आता है तो आप अपना पार्षद से लिखवा सकते हैं, पार्षद अगर लिख देगा अपने पैड पे, या फिर उसके पास नहीं होगा कोई लिखने का तो आप इसको प्रिंट आउट निकलवा लेना, आपको इसका फॉर्मेट मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप उसमें जाके इसको निकाल सकते हैं पूरे फॉर्मेट को। और अगर आपके पास ऑलरेडी फॉर्मेट आ चुके हैं और सारी जानकारी आपके पास है तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, हम डेली वीडियो डालेंगे आपके लिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए आएगी सारी वीडियो सच्ची और बिना किसी मसाला के आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ लोग अपने व्यू बढ़ाने के लिए खाली वीडियो बना रहे हैं, कुछ मतलब की कोई वीडियो नहीं है उसमें। और कोई भी जानकारी आपको चाहिए इससे रिलेटेड या कोई भी आपके डाउट हो, सारे आप हमारे कमेंट में डाल सकते हैं, हम आपको एक एक क्वेश्चन का आपका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो
तो जय हिंद दोस्तों, और अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।